सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में शानदार वापसी की। उन्होंने 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया। रैना की नजरें वनडे टीम में वापसी पर हैं और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच टीम के कोच रवि शास्त्री रैना के प्रदर्शन से खासे प्रभावित हैं। यही नहीं, रवि शास्त्री ने रैना को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे ये भी तय हो गया कि सब कुछ ठीक रहा तो रैना वर्ल्ड कप टीम में भी खेलेंगे। शास्त्री ने कहा, रैना काफी अनुभवी हैं और उन्होंने दिखा दिया कि अनुभव क्या कर सकता है। रवि शास्त्री ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, मुझे रैना में सबसे अच्छी बात यह लगी कि वो बेखौफ हैं। मुझे रैना का प्रदर्शन भी इसीलिए दमदार लगा क्योंकि वो लंबे समय बाद टीम में वापसी करने वाले खिलाड़ी थे, और आमतौर पर सबसे पहले लंबे समय बाद वापसी करने वाला खिलाड़ी अपनी जगह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, इससे आप पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन रैना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रैना की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे वो कभी टीम से बाहर थे। उन्होंने काफी आक्रामक बल्लेबाजी की, उन्हें ऐसा खेलते देखकर काफी अच्छा लगा। अब रैना पर शास्त्री का इतना भरोसा यही कह रहा है कि कोच की उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरे उतरे हैं, और अब उन्हें टीम मैनेजमेंट ने अपने फ्यूचर प्लानिंग में भी शामिल कर लिया है। ऐसे में ये तो तय नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप टीम में टीम इंडिया की तरफ से रैना जरूर खेलेंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।